प्राणायतन आयुर्वेद के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कान की परेशानियाँ, जैसे कि कान में दर्द होना, कान से कम सुनाई देना या कान में साएं-साएं की आवाज़ होना, कभी कभी मुंह को खोलने पर और बंद करने पर जबड़े में दिक्कत होना या यहाँ पर जो हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है वहाँ पर पेन होना, ये सारी समस्याएँ एक बहुत सामान्य दिक्कतें हैं जो कि हमें अक्सर देखने के लिए मिलती हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक छोटे से प्रोसीजर के द्वारा हम इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए देखें कर्ण पूरण के द्वारा इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये किन लोगों में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और किन में नहीं करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में हमारे जो बुज़ुर्ग थे हमारे कान में एक या दो बूंद तेल की डाल देते थे और नाक में भी हल्का सा तेल लगाते थे। तो आचार्यों ने इसको दिनचर्या अध्याय में बताते हुए कहा है कि यदि हम रोज अपने पूरे शरीर पर अभ्यंग करते हैं या मसाज करते हैं या मालिश करते हैं या फिर अपने नाक और कान में तेल डालते हैं तो उससे हमारे बाल भी स्वस्थ रहते हैं, काले रहते हैं और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। अब लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है और इतना ज़्यादा आप समय नहीं निकाल सकते कि पूरी मसाज करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ अंगों पर ही आप मसाज करेंगे तो उससे भी आपको समान तरीके से लाभ मिलेगा। तो आचार्य वाग्भट ने इसके विषय में कहा, शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत्, अर्थात आप सिर की मसाज करें, कान की मसाज करें या उसमें तेल डालें और साथ में पैरों की मसाज करें। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि कान में किस प्रकार से तेल डालें जिससे कि आपकी ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। कान की समस्याएं अधिकतर हमारे लिए जब हमारे शरीर में वायु की वृद्धि होती है तब होती है, और वायु के शमन के लिए तेल से अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो जब हम कान में तेल डालते हैं, यदि हम एक या दो बूंद तेल डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कर्ण प्रतिसारण। ये आप डेली कर सकते हैं, आप दिन में किसी भी समय या तो सुबह सुबह या रात के समय एक या दो बूंद सरसों का तेल, तिल तेल हल्का गुनगुना करके डाल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे इंद्रियों को लुब्रिकेशन मिलता है और कान के विकार भी दूर होते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि यदि हमें कर्ण पूरण करना है, जो मेनली यदि आपके कान में ब्लॉकेज है, टिनिटस है, हियरिंग लॉस है या लॉक जॉ की प्रॉब्लम है, लॉक जॉ जिसमें कि हमारा ये जबड़ा खोलने और बंद करने में दिक्कत होती है या कान में पेन हो रहा है, उन सब समस्याओं में हम कर्ण पूरण कर सकते हैं। इस कर्ण पूरण को हमें 7 दिन तक करना चाहिए, उसके बाद एक गैप देना चाहिए। कर्ण पूरण के लिए आप सरसों का तेल, तिल का तेल, एरंड तेल, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है कि आप जो भी तेल लेते हैं उसको एक बर्तन में पानी लेकर के, एक कटोरी में तेल रख करके उसको थोड़ा गर्म कर लें अच्छे से, और अच्छे से गर्म करने के बाद उसको फिर ठंडा होने दें और ल्यूक वार्म जब वो रह जाए तब हम उसे कान में डालें। इसको करने का फ़ायदा ये है क्योंकि कान का जो स्ट्रक्चर है हमारा उसमें हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कोई इन्फेक्शन अंदर ना जाए। तो जब भी आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप अच्छे से हाथों को साफ करके और उसके बाद तेल को भली भांति गर्म करने के बाद ठंडा करके तब उसे कान में डालें ताकि कोई और इन्फेक्शन ना जा पाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों के कान में भी दर्द होने लगता है और वो दर्द बता नहीं पाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो उस स्थिति में यदि आपके पास तिल का तेल है तो उसमें 2-3 लहसुन की कली डाल करके उसको अच्छे से ब्राउन होने दीजिए और उसके बाद उस तेल को छान करके हल्का गुनगुना उसको बच्चे के कान में भी डाल सकते हैं। इससे दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है। इसके अलावा यदि खुजली है, जैसे बरसात के मौसम में थोड़ा फंगस इन्फेक्शन होता है या हमें बार बार खुजली होती है, तो उसमें आप नीम का तेल या करंज के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर हमें कैसे करना चाहिए उसके लिए आचार्य वाग्भट ने कहा है, धारयेत पूर्णम कर्णे कर्णमूलम विमर्दनम रुझा स्यानम आर्दवम यह मात्रा शतवेदने। इसका मतलब है कि जो पहला स्टेप है हमारा उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्णमूल जो आपके कान का निचला हिस्सा है यहाँ से आप मसाज करेंगे। तो आपको जो भी तेल डालना है उस तेल से ही आप धीरे धीरे अपवर्ड स्ट्रोक लेते हुए कान की मसाज करेंगे, पूरे जो ईयर लोब और उसके पीछे का पार्ट है उन सब में हम मसाज लेंगे। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि इस समय जो हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है उसके पीछे आप देखेंगे कि वहाँ पर एक गड्ढा होता है,
वहाँ हमारा विधुर मर्म है, उस मर्म को भी हम 15 से 18 बार प्रेस करेंगे। इस मर्म को प्रेस करने से क्या फ़ायदा है? ये मर्म हमारे कान के अंदर यदि साएं साएं की आवाज़ आ रही है या टिनिटस की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको बेटर करता है। इसके विषय में हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब मर्दन करने के बाद हम क्या करेंगे, कान में ड्रॉप बाई ड्रॉप धीरे धीरे एक एक बूंद तेल की डालेंगे और इसको कहाँ तक भरना है हमें, जो हमारी सरफेस है वहाँ पर हमें तेल दिखाई देना शुरू हो जाए। जिस समय आप तेल डालेंगे उस समय मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे ताकि वो जो आपका पैसेज है वहाँ अंदर तक वो तेल चला जाए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपका जबड़े की प्रॉब्लम है या वहाँ दर्द है आपको, उसमें भी राहत मिलेगी। अब इस तेल को 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही कान में रहने देंगे और उसके पश्चात इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे। इसके बाद आप एक कॉटन बॉल बना करके कान के अंदर लगा दें ताकि जो तेल अंदर रह गया है वो भी एब्जॉर्ब हो जाए और बचे हुए तेल से आप कान की दोबारा मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन को हम एक पोटली में लेकर के उसको थोड़ा तवे पे गर्म करके उससे कान के आसपास हम सिकाई करेंगे ताकि जो तेल हमारे कान में गया है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। ये एक हमारा स्वेद का या स्टीम का प्रोसेस है और इससे कान में बहुत जल्दी हमें लाभ मिलता है। अब किन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए? जिन लोगों के कान के पर्दे में छेद है वो इस प्रोसीजर को बिल्कुल ना करें, या फिर कान में से यदि कोई डिस्चार्ज हो रहा है या पस निकल रहा है तो भी हम इस प्रोसीजर को नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि आप यदि इस प्रोसीजर को आपको करवाना है तो अपने निकटतम आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर के उसके द्वारा ही इसको करवाएं। आशा करती हूँ कि ये कर्ण पूरण का जो ऑयल फिलिंग का मेथड है ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।